विधवा विलाप कर रहे हैं अनंत सिंह, और अनंत सिंह कायर हैं और वो कायराना हरकत करते हैं और झिंगुर के माफिक वो टर टर करते हैं, उनमें कोई ताकत और शक्ति नहीं है। दोस्तों, आप मेरे चैनल यूट्यूब चैनल खबर ही खबर मोटिवेशनल चैनल बाय BNY देख रहे हैं। मैं विवेकानंद यादव, जो हमेशा लेटेस्ट समाचार और पारदर्शी समाचार सत्य के साथ आपको देने का प्रयास करता हूँ। बिहार सरकार के मंत्री नीरज कुमार शर्मा कहते हैं कि अनंत सिंह कायर हैं और वो कायराना हरकत करते हैं, जब मामले में फंसे तो विधवा विलाप कर रहे हैं और झिंगुर की तरह टर टर करते हैं। आखिर नीरज कुमार सिन्हा क्यों निशाना साधते हैं अनंत सिंह पर? आखिर क्या अदावत है? लोकसभा चुनाव हिंदुस्तान में सारे लोगों ने लड़ा, हर व्यक्ति को संवैधानिक अधिकार है कि वो लोकसभा चुनाव लड़े, और अनंत सिंह की पत्नी कांग्रेस उम्मीदवार बनकर ललन सिंह के खिलाफ चुनाव लड़े, तो इतना बड़ा मामला खड़ा हुआ कि अब तरह तरह की बातों का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। मैं बताता चलूं आपको कि अनंत सिंह के घर से AK-47 और हैंड ग्रेनेड सहित कई गोलियां बरामद हुई, पुलिस दबिश बनाए और अनंत सिंह फरार हो गए, और आज वो दिल्ली कोर्ट में सरेंडर किया और उन्हें मेडिकल चेकअप कराने के लिए पुलिस ले गई और ले जाकर उन्हें तिहाड़ जेल में भेज देगी। इस खबर को मिलते ही बिहार के पुलिस बल में खलबली मच गई और लिपि सिंह कहती है एडिशनल SP कि पुलिस निकल चुकी है कोर्ट के प्रक्रिया को पूरा करके अनंत सिंह को अब बिहार लाया जाएगा, क्योंकि वो AK-47 बरामद हुआ और आंख मिचौली पुलिस से खेल रहे थे। पुलिस बार बार उन्हें गिरफ्तार करने के लिए छापामारी कर रही थी लेकिन हाथ न लगे, और वो वीडियो प्रसारित करके कह रहे थे कि मैं कोर्ट में सरेंडर करूंगा, मुझे बिहार के पुलिस पर भरोसा नहीं है, हो सकता है मुझे फंसाने के लिए एक और AK-47 मेरे हाथ में दे दिया जाए, मेरे गोतिया के मदद से मेरे घर में AK-47 रख कर मुझे फंसा दिया गया, या फंसाने का काम किया गया, मैं निर्दोष हूँ। तो इसी पर तंज कसते हुए नीरज कुमार सिन्हा कहते हैं कि वो विधवा विलाप कर रहे हैं, झिंगुर की तरह टर्टर कर रहे हैं और वो कायर हैं, सामना नहीं कर सकते और उनकी बाजार अब खत्म हो गई। नीरज कुमार सिन्हा हमेशा विवादास्पद बात करके नीतीश कुमार जी को खुश करना चाहते हैं, अब खुश करके अपने राजनीति रोटी सेकते हैं, MLC बनते हैं, प्रवक्ता बनते हैं, अब उन्हें मंत्री पद भी मिल गया। तरह तरह की बातों का जिक्र वो करते हैं, तो लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी, तेज प्रताप, लालू परिवार को वह अपने जुबान में से निकालना नहीं भूलते हैं। उनकी एक खासियत है, वो जब बोलते हैं तो लालू परिवार का गुणगान थोड़ा जरूर कर लेते हैं। नीरज कुमार सिन्हा को केवल बोलने के लिए नीतीश कुमार जी ने रखा है, और अनंत सिंह ने कई बार आरोप लगा चुके कि नीरज कुमार शर्मा भी भूमिहार जाति के हैं, अनंत सिंह भी भूमिहार है, ललन सिंह भी भूमिहार है, ये भूमिहारों के अंदर में सांप सीढ़ी का खेल चल रहा है। नीरज कुमार शर्मा बार बार तरह तरह की बातों का प्रचार करके वो अपने आप को सुर्खियों में रखना चाहते हैं, लालू परिवार की गुणगान किए बिना उनकी आटा घर में रोटी के रूप में तब्दील नहीं होती है। तरह तरह की बातें है, लेकिन इतना जरूर आप जान लें, ये भूमिहारों की लड़ाई है, जो भूमिहारों के लड़ाई में सहमात की लड़ाई चल रही है। नीरज शर्मा अपने वर्चस्व को बनाए रखने के लिए आनंद सिंह को नेस्तनाबूद कर देना चाहते हैं, जबकि आनंद सिंह 10 साल तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ रहे और अमिताभ दास
10 साल पहले एसपी रहे बाढ़ के, उन्होंने लिख कर दिया था कि हथियार का जखीरा आनंद सिंह के पास है, लेकिन उनके लिखे हुए उस रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डाल दी गई थी। अब स्थिति ऐसी हो गई है कि आनंद सिंह बिहार के पुलिस को धत्ता बताते हुए दिल्ली में सरेंडर करते हैं। हर हाल में बिहार पुलिस और बिहार सरकार आनंद सिंह के सामने पौना पड़ते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन संवैधानिक नियम है, कानून व्यवस्था है, उनके घर से बरामद हथियार हुआ। अब हथियार बरामद होने के बाद अब कोर्ट की प्रक्रिया चलेगी। कोर्ट के प्रक्रिया में आनंद सिंह का क्या होगा, वो कोर्ट में गवाह के आधार पर कोर्ट के हाकिम तय करेंगे। लेकिन नीरज शर्मा जैसे स्पोक्समैन को मौका मिला और बोलने का मौका मिला और बोल रहे हैं, और ये कानून का राज की बात करते हैं, जबकि बिहार ही एक ऐसा प्रदेश है जहां पुलिस वाले मारे जाते हैं, विधायक क्या AK-47 बरामद होता है, राजनीति संरक्षण प्राप्त माफियाओं के द्वारा पुलिस को मारने वाले गिरोह का संचालन किया जाता है। इस बिंदु पर नीरज शर्मा नहीं बोलते, और मीडिया वाले भी इन सारे बिंदुओं पर बात करने से कतराते हैं। आए दिन बिहार में अपराध बढ़ती जा रही है, घरेलू हिंसा बढ़ता जा रहा है, महिलाओं के साथ बलात्कार, छेड़खानी और महिलाओं के साथ पिटाई का मामला बढ़ता जा रहा है, लेकिन नीरज कुमार सिन्हा इस बिंदु पर कभी बात नहीं करते। वो केवल कहते हैं कानून का राज है, कानून का राज में इस तरह की घटनाएं घट रही है जो मैं वीडियो आपको दे चुका हूँ। अगर कोई पत्रकार बंधु हमारे जैसे चैनल चलाने वाले जब नीरज शर्मा से बात करते हैं, तो मैं आग्रह उन पत्रकारों से करूंगा वो नीरज जी से इन सारे बिंदुओं पर बात करें। लालू परिवार आनंद सिंह प्रकरण को छोड़कर कानून के राज में बिहार में माफिया राज चल रहा, बिहार में आतंक फैल रहा, बिहार में हत्या बलात्कार लूट अपहरण राहजनी हो रही है। इस बिंदु पर नीरज सिन्हा को स्पष्ट करना चाहिए। केवल उन्हें आनंद सिंह दिखाई पड़ते हैं, अब वो जेल में जा चुके, कानून फैसला करेगी। अब वो प्रकरण, लालू जी जेल में हैं, अब वो प्रकरण छोड़ के बिहार के जनता के विकास के लिए, बिहार के जनता के अमन चैन शांति के लिए नीरज सिन्हा जी को कुछ बातें करनी चाहिए, या ज्यादा उचित होगा। मैं उन पत्रकारों से अपील करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि आप सत्यता को ध्यान में रखते हुए इन सारे बिंदुओं पर बात करें नीरज शर्मा से, तो ज्यादा बेहतर होगा। केवल राजनीतिक बात करके अपने चैनल के प्रति नेताओं को खुश करना अविलंब बंद कर दें, इससे जनता के बीच पत्रकारों की गरिमा धूमिल हो रही है, जिसे ध्यान में रखना अति आवश्यक है। दोस्तों, मैंने आपको कई पारदर्शी समाचार देने का प्रयास किया। मैं उम्मीद और आशा करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, आपका समर्थन प्रेम और प्यार और स्नेह मुझे मिल रहा है, लेकिन आप थोड़ा और ज्यादा प्रेम प्यार स्नेह बढ़ावे और मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करें, कमेंट लिखें, साथ ही साथ लाइक भी करना ना भूलें, लाइक कर दें जिससे मुझे पता चला कि आपने वीडियो देखा, और सब्सक्राइब करें चैनल को जो फ्री है, कोई पैसा आपको नहीं लगता, लेकिन आपको वीडियो हमेशा तुरंत प्राप्त होता रहेगा। लाल बटन बेल दबाना ना भूलें। धन्यवाद।